बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान व्लॉग। फर्स्ट, आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी धूप निकली है। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ। मैं सोच रहा था पहले कुसमी से पिपराइच वाले रोड का वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं अगले व्लॉग के लिए देखूँगा। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि बक्सीपुर मार्केट से अलीनगर का जो मार्केट है वहाँ तक काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, वहाँ पे काफ़ी कुछ बदल गया है। तो रोड भी थोड़ी सही हो गई है और मार्केट भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, तो मैं आप लोग को वही दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अदरवाइज कुछ नहीं, बस यही कि थोड़ा सपोर्ट करें मुझे। और तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आप लोग का जो डिमांड था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप कुसमी से पिपराइच वाले रोड का वीडियो बनाइए, उसका मैं डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं अलीनगर मार्केट कितना चेंज हो गया है और कैसा है इस वक्त दिखने में और कितनी भीड़ है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं, हम लोग बक्सीपुर के मतलब जहाँ पुलिस चौकी है वहाँ पे हैं, और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस रोड में ज़्यादातर दुकानें आपको जूते की मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा जूते का होलसेल मार्केट एक तरह से कह लीजिए। यहाँ पे आपको एक से एक क्वालिटी वाले जूते मिल जाएंगे, और मतलब स्लीपर भी, और कुछ दुकानें आप लोग को मतलब स्पोर्ट्स की भी मिल जाएंगी। तो अगर आप को जूते के शौकीन हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल के जूते चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आगे ले सकते हैं। और इस रोड में कुछ दुकानें आपको मतलब क्या कहते हैं, म्यूजिक वाली, ये जैसे देख रहे हैं गिटार उतार, ये सब भी मिलते हैं इस रोड पे, तो आप यहाँ पे आके वो भी देख सकते हैं। और ये रोड पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, चौड़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन रोड बन गई है, पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ और है, ये रोड काफ़ी ज़्यादा जाम भी रहता है। आज पता नहीं क्यों आज जाम कम है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो इस रोड में अगर आप आते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप फोर व्हीलर से ना आएँ, क्योंकि फोर व्हीलर से आएंगे तो फंस जाएंगे। और इस रोड में मतलब कि यहाँ पे आने के लिए आपको दो या तीन रास्ते हैं, मैं तो ज़्यादातर दो ही जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर दो तीन रास्ते और भी हैं यहाँ पर आने के लिए अलीनगर में। एक आपका रास्ता बक्सीपुर से होके आता है, और दूसरा आपका विजय चौक है, वहाँ से भी आप सीधे अगर वो आएंगे तो भी आप अलीनगर आ जाएंगे। और एक शायद धर्मशाले की तरफ से भी है, तो वो मुझे क्लियर नहीं है, मैं उधर कभी गया नहीं उस रास्ते से, लेकिन मैंने सुना है। और यहाँ पे आप कुछ दुकानें देख रहे होंगे जो कि हार्डवेयर के भी हैं, यहाँ पर हार्डवेयर का भी सामान मिलता है, तो आप यहाँ पर आके वो भी देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये इलाका जो है मतलब ये एरिया अब अलीनगर का एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप ये वाला रोड देख रहे हैं सामने, ये आपका विजय चौक की तरफ निकल जाएगा। हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं, और शायद सामने वाला रोड मतलब जो अभी आपने देखा वो शायद जाता है वही धर्मशाले की तरफ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है, कपड़े की दुकानें भी हैं यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे। और आगे मंदिर है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये रोड काफ़ी ज़्यादा, ये रोड पतली है, इस रोड को तो मुझे लगता है कि चौड़ी भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगल बगल दोनों तरफ दुकानें हैं, और बीच में ये देख रहे हैं लोग बाइक ला के खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ से आगे जाने पे आपको मैक्सिमम दुकानें मतलब सोनार की मिलेंगी, सोने चांदी की, तो आप यहाँ पे आके वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सोने चांदी की दुकानें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी इस रोड में, तो अगर आपको मतलब सोना लेना हो तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। और यहाँ पे देख ही रहे हैं, सजाया गया है त्यौहार की वजह से। और हम लोग अब आगे चल रहे हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या है।
मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊँगा, मैं आगे बस यहीं से मुड़ जाऊँगा मोड़ पर से, क्योंकि ज़्यादा आगे जाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो मैं यहीं से मुड़ जा रहा हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं, इस रोड के इस बगल ज़्यादातर दुकानें कपड़े की हैं, कुछ आपको सोने चांदी की भी दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत ज़्यादा बदल गया है ये मार्केट पहले से, क्योंकि रोड भी थोड़ी सी बन गई है। हालांकि ये रोड बहुत पहले बनी थी, लेकिन अब अच्छी है यहाँ, नहीं तो ये रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। और पहले से तो बहुत ही बेहतर है अली नगर मार्केट, लेकिन एक चीज़ अभी भी है, बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और इस समय तो बहुत ही अच्छा है कि मुझे जाम नहीं मिला है, नहीं तो यहाँ पे जाम में लगभग घंटे घंटे लोग फंसे रहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम हर एक चीज़ मिल जाएगा, बर्तन के मतलब किचन के सामान मिल जाएंगे, हार्डवेयर के सामान मिल जाएंगे, सोने चांदी ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक कि यहाँ पे फिश मतलब जो घर पे मछली लोग रखते हैं, गोल्ड फिश ये सब, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। हार्डवेयर के सामान आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हार्डवेयर के सामान भी है, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो जूते के शौकीन हैं उनको तो मैंने बताया ही कि यहाँ पे आप लोग को जूते भी मिल जाएंगे, वो भी एक से एक क्वालिटी के जूते मिल जाएंगे और अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, तो आप आके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लोग कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी वाले शूज, वो भी आप लोग को मिल जाएंगे, जिस कंपनी का आप चाहें उस कंपनी का। और यहाँ पे कुछ मतलब वो भी है जो पोर्ट्रेट टाइप में लोग बनाते हैं, वो भी बनता है यहाँ पे, तो आप आके वो भी देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग देखेंगे मतलब इधर से जाते वक्त कि और क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे फोम वाले ये सब चीज़ें भी मिलती हैं, जो कि बच्चों की स्कूल प्रोजेक्ट में काम आती हैं, तो अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पे आके वो भी देख सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है जाम मिल ही गया, नहीं खैर मैं अच्छा है कि जाम नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं और इधर आप देख ही रहे हैं, इधर जितनी भी दुकानें हैं सब के सब जूते ही की हैं, आपको और कोई दुकानें नहीं दिखेंगी, सब के सब जूते की ही दुकानें हैं। शोरूम से लेके हर एक चीज़ में ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे जूते ही की हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिनको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।